के स्टूडेंट्स, नाउ यूज़र प्रोग्राम रूम। यस, लास्ट हमने जो लर्न किया था वो था हमारा वी कैन से डेट इज़ हमने रूम के बारे में लर्न किया था। ओके, और उसके अंदर हम लोगों ने लर्न किया था डेट आर सिंपल रूम क्या होता है और उसका वाई वी यूज़ द सिंपल रूम और बायस के अंदर क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम लोगों ने लर्न किया था। सेकंड जो है यूज़र प्रोग्राम रूम, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, डेट इज़ द नॉन इरेजिबल एंड इरेजिबल। नॉन इरेजिबल यानी कि हम बोल सकते हैं पी रूम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकंड वन जो है जो इरेजिबल रूम है। यस, नॉन इरेजिबल और इरेजिबल में क्या डिफरेंस है कि नॉन इरेजिबल एक बार क्रिएट होने के बाद उसको हम इरेज नहीं कर पाएंगे और इरेजिबल रूम के अंदर एक बार क्रिएट करने के बाद भी हम उसको बार बार इरेज करके उसका रीयूज़ कर पाएंगे। यस, सो नॉन इरेजिबल रूम यानी कि प्रोम के अंदर क्या आता है वो देखते हैं। क्रिएटिंग रूम इज़ क्वान्टिटीज इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। सो डेवलपर क्रिएटेड टाइप ऑफ रोम नोन एज अ प्रोम। यस, दिस मेमोरी हैज़ कम्बाइंस द मेमोरी कैन प्रोग्राम बाय द यूज़र विथ स्पेशल प्रोम प्रोग्रामर डेट सिलेक्टिवली कम्बाइंस अकॉर्डिंग टू बीट पैटर्न टू बी स्टोर्ड। वंस द चिप हैज़ बीन प्रोग्राम द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल प्रोम बिकम्स रूम। यस, और हम बोल सकते हैं कि प्रोम क्या बन जाएगा, रूम बन जाएगा एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड। यस, सो इस टाइप की प्रोम में क्या होता है कि वंस एक बार आप प्रोग्राम को राइट कर देते हो तो उसके बाद उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे। सो डेट टाइप ऑफ रोम इज कॉल्ड एज अ नॉन इरेजेबल रोम और हम बोल सकते हैं प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यस, एक बार आप प्रोग्राम राइट कर दोगे उसके बाद ये क्या बन जाएगा, रोम बन जाएगा। यस, सो डेट इज़ अ प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसके अंदर प्रोग्राम तो कर सकते हो और उसके बाद इट विल वर्क एज अ रोम। इरेजेबल रोम, इरेजिबल रोम दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम एंड लास्ट हम बोल सकते हैं फ्लैश मेमोरी। ई प्रोम के अंदर क्या होता है, नेम सजेस्ट इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज एंड द चीप प्रोग्राम न्यू रिकॉर्ड डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग द ई प्रोम प्रोग्रामर। यस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। All the information can be erased by exposing the chip to ultraviolet. It's quartz window. Quartz window is little glass windows installed on the top of the ROM package. Yes, ये एक device होता है और device के अंदर हमें ROM top के अंदर ROM को install करना पड़ेगा या वहाँ पर रखना पड़ेगा। यस, तो उसके थ्रू आप ई प्रोम के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो या बार बार इरेज करके उसको रीयूज कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये सब के अंदर ज़्यादा डीपली लर्न नहीं करना है। यस, डिसएडवांटेज क्या है, इस मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्किट टू इरेज इट। यस, द एंटायर चिप मस्ट बी इरेज, यानी कि हम उसका कुछ पोर्शन नहीं इरेज कर सकते हैं, पूरा चिप हमें इरेज करना पड़ेगा। यस, द थर्ड वन डिसएडवांटेज इज दैट इरेजिंग प्रोसेस टेक्स मोर देन 15 to 20 minutes। 15 to 20 minutes लेगा इरेज करने के लिए पूरा सर्किट को। यस, सो ये सारे डिसएडवांटेज हैं हम बोल सकते हैं प्रोम के और ई प्रोम के। डबल ई प्रोम यानी कि क्या, हम देखते हैं दिस मेमोरी इज फंक्शनली सिमिलर ऑफ ई प्रोम एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन कैन बी अल्टर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एट द रजिस्टर लेवल रादर देन इरेजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। यस, यानी कि हम
थोड़े थोड़े पार्ट को इरेज करके उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं। यानी कि पूरा चिप हमें इरेज करना नहीं पड़ेगा, जैसे हम ई प्रोम के अंदर करते थे वैसा यहाँ पर डबल ई प्रोम के अंदर नहीं करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। द चिप डज नॉट हैव टू बी रिमूव टू बी री रिटर्न। एक तो चिप को निकालना नहीं पड़ेगा राइट करने के लिए, एंटायर चिप नहीं इरेज होगा। खाली स्पेसिफिक पोर्शन ही हम इरेज कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा एक है, चेंजिंग द कंटेंट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल डेडिकेटेड इक्विपमेंट। कोई अलग से इक्विपमेंट नहीं चाहिए, डेडिकेटेड इक्विपमेंट नहीं चाहिए। डबल ई प्रोम कैन बी इरेज अंडर द सॉफ्टवेयर कंट्रोल। सॉफ्टवेयर कंट्रोल थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं। डबल ई प्रोम आर यूज इन द सिस्टम, दे कैन अपडेट फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर बाई यूजिंग रिमोट लिंक वाया द टेलीफोन लाइन्स। यानी कि ये पॉइंट निकाल दूंगा तो भी चलेगा, इसके अंदर इतना कुछ ठीक है। नेक्स्ट वन जो है इसका एडवांटेज, दिस मेमोरी ऑल्सो इंक्लूड चिप इरेज मोड वेयर बाय द एंटायर चिप कैन बी इरेज इन 10 मिनट्स। ये लेस टाइम लेता है कंपेयर टू द ई प्रोम। डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम बोल सकते हैं ये एज अ फ्लैश मेमोरी ही वर्क करता है। थर्ड वन जो है फ्लैश मेमोरी, ये भी एक टाइप ऑफ डबल ई प्रोम ही है। इसके अंदर फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, डबल ई प्रोम जो है वो रजिस्टर लेवल से इरेज करता है, बट फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कैन बी इरेज आइदर इन इट्स एंटायरली और सेक्टर लेवल। फ्लैश मेमोरी को हम सेक्टर लेवल पर इरेज कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा हम जितना भी चाहे उतना हम इरेज कर पाएंगे फ्लैश मेमोरी के अंदर। और ये बहुत टाइम, फ्लैश मेमोरी का एडवांटेज क्या है, हम इसको बहुत टाइम रीयूज कर सकते हैं। वी कैन से मिलियंस ऑफ टाइम हम इसको रीयूज कर सकते हैं, मेमोरी को क्लियर करके वापस उसका रीयूज कर सकते हैं। दिस मेमोरी इज आइडियली सुटेबल फॉर लो पावर सिस्टम। ये मेमोरी कहाँ पर यूज होता है, हम बोल सकते हैं MP3 डिजिटल कैमरा के अंदर ये मेमोरी ज़्यादातर यूज होता है। ये हो गया हमारा प्रोम ई प्रोम वाला थिंग। यहाँ पर रैम एंड रोम फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।